हाँ सब चला गया, अब या तो भीख मांगे या तो फिर दुर्वा धमका करके हम लोगों की जमीन ली गई है। तुड़ाने में कई लोग चटा भी गए, एक लड़का की मौत हो गई, छत गिर गया। बड़ा प्रताड़ित किया सरकार, मगर 75 लाख रुपया 52 लाख रुपये बीघा मिला, हमारे यहाँ 12 लाख रुपये बीघा दी। अयोध्या में जो विकास कार्य हुए वो एक शर्त पर आए, वो शर्त ये थी कि तमाम जितने लोग ऐसी जगहों पर रह रहे थे उनको विस्थापित किया गया और सरकार ने दावा किया है कि उनको मुआवजा दिया गया है। इस मुआवजे को लेकर के उन लोगों का क्या कहना है जो कि अपने घर आप छोड़ करके इन नए इलाकों में अब बस रहे हैं, क्या इस मुआवजे से उनके अंदर संतुष्टि है या उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए वो कितने मुकम्मल है। यही तमाम परिवारों के लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में क्या उन्हें उचित मुआवजा मिला या किस तरह की स्थितियां आज बनी हुई हैं। चलिए शुरुआत करें, आपका नाम बताएं। महादेव नाम है हमारा। महादेव जी, आपकी कहां पर जमीन थी और आपके लिए किस एवज में वो गई और कितना मुआवजा आपको? हमारा गांव धर्मपुर सादत है और 9-10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन लिया गया है और एयरपोर्ट के लिए ले गई थी जिसमें हमारी जमीन लिया गया एयरपोर्ट में। और कितना जमीन था आपका? करीब 5 बीघा। कितना मुआवजा आपको मिला है सरकार की तरफ से? 9-10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिला रहा है। टोटल आप समझ लीजिए कितना हो गया? 50-60। हाँ 50-60 लाख रुपए। आप संतुष्ट हैं उससे या क्या? संतुष्ट कहा, बगले 74-75 लाख रुपए बीघा दिन को बगले 9-10 लाख रुपए, तो कितना अंतर है जबकि एक ही मजहम के लिए वो जमीन लीन कर रही एयरपोर्ट के लिए। हाँ, और खाली मेड़ के अंतर रहा और कुछ नहीं है, तो यही दुर्भाव महाभाव है। अब जैसे कि खाली जो पैसा मिला रहा वह खाए पिए और घर बनावे भरे खोई हुआ है, जमीन वमीन कुछ नहीं लीन गए। अब जब है अब याद और वही से हमारा खर्चा खुराक चल रहा है और जो बच्चे पढ़े हैं उनको कोनो नौकरी वोकरी तो है नहीं। अब या जो था सब चला गया। हाँ सब चला गया, अब या तो भीख मांगे या तो फिर क्या जो मन का करे। अब क्या और क्या बताए माँ बचिया। बिल्कुल, और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे। दादा आपकी आपका क्या नाम है? राम सेवक प्रजापति। राम सेवक जी, कितना आपका जमीन था, कितना आपको मिला और क्या आपकी? मेरी 8 बीघा जमीन चली गई एयरपोर्ट में और हम लोगों को मुआवजा 12 लाख रुपए बीघा दिया गया। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बगल वालों को 74 लाख का बीघा दिया गया, हम लोग बगल के होकर के 12 लाख का बीघा दिया गया, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ज्यादा मिला उनको, क्या कारण बताया गया आपको कि ऐसा क्यों फर्क? उनको बोला गया कि सिटी के बगल हैं इसलिए सर्कुलेट इनका ज्यादा है और हमारे गाँव का सर्कुलेट नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को कम मिला मुआवजा। हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं हैं। परिवार बड़ा है, खर्चा भी नहीं चल रही है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। आय का कोई और साधन है इस समय? क्या काम करते हैं या परिवार कैसे चला रहे हैं? जो जमीन थी खेत का वही आपका सब कुछ था करना? हाँ वही कुछ मजदूरी हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं हम और मजदूरी सब बच्चे कर रहे हैं और मिट्टी भी हम लोगों को नहीं मिली है अभी जी। यहाँ पर सरकार ने जमीन दी है लेकिन जो आपने मकान बनवाया और जो आपको दिक्कतें हैं वो है कि जो राशि मिली वो काफी कम? हाँ राशि बहुत कम है हम लोगों की। कागज भी हम लोगों को नहीं मिला है अभी, पट्टा का कागज भी नहीं मिला है और दरवा धमका करके हम लोगों की जमीन ली गई है और अभी हमारे गांव पर अभी कुछ नहीं किया है और जबरदस्ती गाँव उजड़वा करके हम लोगों को खदेड़ दिया गया है यहाँ पर और इसे जमीन सब पड़ी है और जमीन घर तुड़ाने में कई लोग चटा भी गए, एक लड़का की मौत हो गई, छत गिर गया उसी में और सब परेशान हो गए गांव वाले भागते भागते कि जल्दी अधिकारी लोग ने कहा जल्दी तोड़ो यहां से भागो जल्दी जल्दी। जल्दबाजी में काम? हाँ जल्दबाजी में काम करवाया है जी। और भी लोगों से बात करें। दादा आपका क्या नाम? भगवती प्रसाद तिवारी जी। आपकी कितनी जमीन थी, कितना? हमारे तो साहब जमीन थोड़ी कम थी, 1.5 बीघा रहा और 14-15 लाख रुपया मिला था कुल टोटल। उतने में मकान बना पाए? कैसे बना लिए राय भर का घर द्वार और बड़ा प्रताड़ित किया सरकार हमको। क्या दिक्कतें हुई आपको, क्या अभी जहां जगह मिला है वहां पर आप
पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। एक बिस्सा दो बिस्सा जो जमीन मिली वही वहाँ अपन दुठू बैठे हैं जो मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। और जमीन था आपका खानदानी जितना था? बस उतना था, उसी में गुजारा कर रहे थे साहब। लेकिन 12-14 लाख रुपए में क्या होता आज के युग में, वो कैसे टंडेला खड़ा कर लेंगे, राय भर की ताज छत बनवा लेंगे, बस इतना है और आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर मजदूरी ना करें तो हमको कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? राम गणेश। आपकी कितना जमीन, कितना मुआवजा? हमारा 5 बीघा जमीन था। आपका भी एयरपोर्ट में? हाँ, वही 10-12 लाख बीघा दिए है सर। जी सर, तो ये बताइए कि ठीक है जमीन मिल गई, वो मिल गया, लेकिन अब आगे दिक्कतें जो आ रही हैं उसमें क्या आपको लगता है कि जितना दाम था उस हिसाब से मिला, या आपको और उसमें उम्मीद थी कि कम दाम मिला है आपको? जितना उम्मीद था उतना नहीं मिला था, कम मिला। अब बगल में 75 लाख रुपया 52 लाख रुपया बीघा मिला, हमारे यहाँ 12 लाख रुपया बीघा दिए, जबरदस्ती आकर बैनामा करवा लिए कि चलो दिया जाएगा। उसी में दब रहने के लिए बोले थे कि एक बिस्सा दो बिस्सा देंगे, वो बिस्सा भी नहीं दिए पूरा। तो कोई सुनवाई होती है या कोई पूछने वाला है, या आप जाते हो तो कोई बातचीत या कोई अधिकारी आपको क्या जवाब? कोई बातचीत नहीं करते सर। पहले जब लोग बैनामा नहीं किए थे तब तक कह रहे थे देंगे सब कुछ होगा, लेकिन अब कोई बात ही नहीं करता बैनामा कर देने के बाद। यहाँ पर नाली नाला सब ऐसे बिगड़ा हुआ, पानी निकल नहीं पाता, और नकाली चौरा बनाने के लिए जगह। आप काम धंधा क्या करते हैं, घर परिवार कैसे चले? मजदूरी करते हैं। जी सर, जो थी संपत्ति वही थी आपके पास, जो जगह जो जमीन थी आपकी वही थी आपके पास संपत्ति? बस वही जमीन थी सर, वो जमीन थी। अब उतना जमीन ही नहीं मिला, जो खेत बाड़ी रहा सब चला गया सर। अब एक विषय में रहकर मकान बन गया, अब क्या करें, हम मजदूरी कराओ और कोई नहीं जा रहा। कुछ बड़ा परिवार है? 10 आदमी का परिवार है। आप ही? हाँ, 10-12 जने, 2 भाई हैं, बाकी हम हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस इलाके की। ये वो इलाका है अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहां से इनको यहाँ पर विस्थापित किया गया, और इस नगर को बाकायदा सरकार ने बसाया, जमीन दी है, सबको अपने हिसाब से यहाँ पर प्लॉट दिया गया, वहां इन लोगों ने अपने मकान भी बना रहे हैं। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पूंजी उनकी थी वो उतनी ही थी, और अब इसके आगे सबसे बड़ा दिक्कत इनके आगे यही है कि आगे इस पूरे क्षेत्र का विकास, और साथ ही साथ में इनको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में मुआवजा दिया वो मिला जरूर है लेकिन पूरा नहीं है, और इसके मुताबिक कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को लगता है कि दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, और आने वाले समय में जिस तरीके से वो इस जगह पे फिलहाल रह रहे हैं वहां भी सुविधाओं का अभाव है, इसको लेकर के उनको बड़ी शिकायत है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं वो इन तमाम बातों की दावा कर रहे हैं।